दोस्तों अक्सर हम लोग बात करते रहते हैं स्मार्टफोन लैपटॉप्स को लेके, बट आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर एक्सेसरीज को लेके। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे पास है दो तो रैम स्टिक जो कि XPG की तरफ से आने वाला, XPG का गेमएक्स D30 नाम से आता है और ये 3200 MHz वाला रैम स्टिक है, 8GB का है और DDR4 वाला यहाँ पे रैम स्टिक मैंने लिया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कैसे अपने PC के अंदर रैम स्टिक को लगाया जाता है, या फिर आप बता सकते हो हाउ टू असेंबल आ रैम स्टिक ऑन योर PC, ड्रीम PC, गेमिंग PC, जो भी आप बता सकते हो। वैसे मेरा ड्रीम PC, गेमिंग PC जो भी था उसको मैंने ऑलरेडी इनबिल्ट कर लिया है, मेरे घर के अंदर ही है और इसका भी वीडियो मैंने डाल दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। बाकी आज हम लोग इन दोनों स्टिक को लगाएंगे। वैसे पहले एक लगा हुआ था और इसको मैंने नया लिया, तो इसको मैं अपने PC के अंदर असेंबल करूंगा। सो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप भी PC में एक नया रैम लगाना चाहते हो तो मेरी तरह इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना। आई होप कि आपको भी आने वाले दिनों में कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप अपने PC के अंदर कोई भी रैम स्टिक को लगाने जाओगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ जो बेल बटन है उसको दबा के रखो। बाकी चलिए इन दोनों को करते हैं इंस्टॉल। देखो, आपको रैम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले अपने PC का ये जो ग्लास देखने को मिल जाता है, इस वाले ग्लास को निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग जाके इस वाले रैम को इंस्टॉल करेंगे, डुअल चैनल रैम स्लॉट्स आते हैं उनके अंदर। तो चलिए दोस्तों फटाफट से ये जो ग्लास है इसको हम लोग रिमूव करते हैं। ये टेम्पर ग्लास है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सेंसिटिव है, ध्यान रहे इसको तोड़ना फोड़ना मत, बिकॉज यहाँ पे इसका जो दूसरा प्रोडक्शन है वो कंपनी नहीं करते हैं। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको ओपन करना पड़ेगा। अब इसको ओपन करने के बाद आपको शायद दिखाई दे रहा होगा मेरे यहाँ पे 4 रैम स्लॉट है। इससे पहले मैंने PC बिल्ड वाले वीडियो पे आपको ऑलरेडी बता दिया था। सो यहाँ पे मेरा जो PC है यहाँ पे मैंने एक रैम स्टिक यूज़ कर रहा था जो कि था 8GB का DDR4 3200 MHz का रैम, और इसी वजह से मेरा जो रैम है वो कम पड़ रहा था, तो मैंने और एक यहाँ पे स्टिक परचेस कर लिया जो कि अगेन XPG की तरफ से आता है, XPG गेमएक्स D30 नाम से, और ये भी 3200 MHz का ही एक सिंगल स्टिक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इंपुट करेंगे। बाकी ये जो मेरा PC अभी देख रहे हो आप, इसके अंदर इतना सारा धूल हो गया है, तो मैं सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लेता हूं एंड देन हम लोग इसके अंदर रैम को पुट करेंगे। एंड देन हम लोग ये जो रैम का पैकेट है इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसका जो दोनों साइड का सील है उसको काट लेना पड़ेगा, एंड काटने के बाद ये है फाइनल आउटपुट हमारा। ये जो रैम है कुछ ऐसे टाइप का देखने को लगता है, देखने में आप लोग देख सकते हो कुछ गेमिंग टाइप का लुक आपको देखने को लगेगा। यहाँ पे आपको XPG का लोगो देखने को मिलेगा, दोनों साइड में ही हीट सिंक है, एंड यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी भी इस वाले रैम का देखने को मिलेगा। बाकी इसका जो हीट सिंक है ये आप एल्युमिनियम या फिर मेटल का मत समझना, यहाँ पे आपको प्लास्टिक का हीट सिंक देखने को मिलता है। और इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे इस वाले पैकेजिंग से। एंड निकालते वक्त एक चीज़ ध्यान रहे, इसके अंदर आपको एक स्टिकर देखने को मिलेगा इस साइड में, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो स्टिकर है, अगर आप इसको रिमूव कर देते हो तो आपका वारंटी पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो इस चीज़ को रिमूव मत करना, इसको थोड़ा सा ध्यान से रख देना। बहुत ही सारे लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। सो इस चीज़ को आपको रिमूव नहीं करना है। नाउ अभी आप लोग देख सकते हो मेरा ये जो PC है यहाँ पे 4 रैम स्लॉट है, बट मैं यहाँ पे एक सिंगल स्टिक का रैम यूज़ करता हूँ। सो यहाँ पे मेरा एक जो रैम है ये सेम टू सेम रैम मैंने फिर से परचेस किया। ध्यान रहे जो फ्रीक्वेंसी का रैम आप यूज करते हो वही सेम आपको परचेस करना है, कोई दूसरा फ्रीक्वेंसी या फिर दूसरे कंपनी का रैम या फिर दूसरा मतलब कोई भी आप बता सकते हो, RGB बताओ, वैसा आपको परचेस नहीं करना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो जाएगा तो दिक्कत आने को मिल सकता है। सो यहाँ पे क्या है, आपको सेम टू सेम रैम टाइप आपको परचेस करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डुअल चैनल में इसको यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे इसको यूज करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। देखो अगर आपका रैम स्लॉट यहाँ पे 4 है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है। सबसे पहला जो रैम है आपको यहां पे दिख रहा होगा पहले स्लॉट में रखा है। सो आपको क्या करना है, अगर आपका रैम पहले स्लॉट में रखा है तो आपको अपना रैम को छोड़ के सेकंड स्लॉट को छोड़ के जो थर्ड नंबर का स्लॉट है मतलब 4 से आगे वाला उसमें आपको लगाना है, ताकि ड्यूल चैनल का मजा या फिर परफॉर्मेंस आप लोग उठा पाओ। सो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे जो सेकंड स्लॉट है उसको छोड़ के थर्ड नंबर के स्लॉट में इसको लगाएंगे, ठीक है। सो अगर आपके रैम के अंदर
अगर आपके पीसी के अंदर ऐसा नहीं है, अगर आपके पीसी के अंदर सेकंड स्लॉट में लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसको छोड़ के एकदम लास्ट मतलब फोर्थ नंबर के स्लॉट में लगा देना। ऐसे में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं और सही से परफॉर्मेंस उन्हें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो लॉक देखने को मिल रहा है ना, इन दोनों लॉक को आपको ऊपर और नीचे खींचना पड़ेगा। देन आपका जो यहाँ पे रैम का जो कटआउट देखने को मिल रहा है और मदरबोर्ड का जो कटआउट है, दोनों को एक साथ मैच करना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप लोग देखते रहो। तो जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो मेरा रैम है उसको लगा लिया और बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। बहुत ही लोग घबरा जाते हैं और अपना जो रैम है उसको ख़राब भी कर देते हैं। सो आपको क्या करना है, अगर फर्स्ट में लगा हुआ रहता है तो सेकंड को छोड़ के आपको थर्ड में लगाना है, अगर आपका सेकंड में लगा हुआ है तो थर्ड को छोड़ के फोर्थ में लगाना है। ऐसे ही आपको डुअल चैनल रैम को यूज़ करना है। मैं अभी ये जो अपना ग्लास है उसको लगा लेता हूँ, देन मैं चलता हूँ अपने पीसी के अंदर और दिखाता हूँ ये रैम प्रॉपर से वर्क कर रहा है कि नहीं और हमें कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। चलिए चलते हैं हमारे पीसी में। तो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पे और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे एंड फाइल मैनेजर पे दिस पीसी जो है वहाँ पे आपको चले जाना है। देन राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो रैम है आपको दिखाई दे रहा होगा, 16 GB का रैम हमारा यहाँ पे आ चुका है, मैंने इंस्टॉल कर लिया ऑलरेडी। और हमारा जो रैम है कैसे वर्क कर रहा है आपको ये भी देखने के लिए और एक यहाँ पे तरीका है, अगर आपके विंडोज़ 11 है आप जाके टास्क मैनेजर को सर्च करना एंड टास्क मैनेजर को ओपन करने के बाद आपको परफॉर्मेंस में चले जाना है और यहाँ पे आपको मेमोरी दिखाई देगा। ये जो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर आपको दिखाई देगा मेमोरी यहाँ पे आपको 16 GB का देखने को मिल रहा है और हमारा जो मेमोरी है अभी 44% तक रनअप हो रहा है, देख सकते हो। और ओवरऑल यहाँ से ही आप सारे एनालिसिस कर सकते हो, नीचे में भी आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देख सकते हो इतना हमारा मेमोरी अवेलेबल है और ये 3200 MHz में रन करता है और मैंने इसको ओवरक्लॉक भी कर लिया था जैसे कि मैंने आपको बताया। बहुत ही अच्छा मेरे को परफॉर्मेंस अभी रेंडरिंग में देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों को लगाने के बाद हमारे पीसी के अंदर बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस मेरे को दिखाई दिए। बाकी ये जो दोनों रैम स्टिक है ये मुझे मिला है 3000 रुपया करके ईच, जो कि ये 6000 रुपया का रैम स्टिक है। आप चाहो तो 3200 MHz का छोड़ के आप इसके ऊपर वाला भी वेरियंट ले सकते हो, लाइक आपका कॉर्सियर वेंजेंस वाला भी रैम हो सकता है या फिर आपका XPG का कोई दूसरा मॉडल भी हो सकता है। रैम के बहुत ही सारे भाग होते हैं, जैसे कि आपको क्रूशियल का भी रैम देखने को मिल जाएगा, है ना, पैरोट का भी रैम देखने को मिलता है, बहुत सारे यहाँ पे वेरिएंट हमें देखने को मिलते हैं। बट मैंने पर्सनली इसको लिया बिकॉज इसका बिल्ड क्वालिटी और जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड बाकी मैं जब एक रैम स्टिक यूज़ करता था, मेरे पीसी के अंदर 8 GB का रैम था 3200 MHz वाला, उसको मैंने ओवरक्लॉक नहीं किया था। इसको लगाने के बाद मतलब मेरे पास अभी 16 GB का रैम हो गया है पीसी में और मैंने इसको ओवरक्लॉक किया 3200 MHz पे ही किया, ज़्यादा नहीं किया, ज़्यादा करना भी मत। तो 3200 MHz में ये मेरे को रेंडरिंग स्पीड, मानिए मेरा 10 GB का वीडियो फाइल है या फिर 9-10 GB का होता है मेरा लगभग, ठीक है, वो जो फाइल है मेरे को 5 मिनट के अंदर में ही वो इंपोर्ट करके दे देता है 4K वाला, ठीक है, 30 FPS का। सो ओवरऑल इस रैम को लगाने के बाद मेरे को बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस में बूस्ट देखने को मिला। कोई कोई जगह पे मेरा जो सॉफ्टवेयर है दविंची रिजॉल्व मैं यूज़ करता हूँ 18, वो बहुत ही जगह पे लैग होता था 8 GB का जो स्टिक था उसमें, बट 16 GB लगाने के बाद ये सफिशियंट हो चुका है। तो अगर आप भी लगाना चाहते हो इन सारे स्टेप्स को ऐसे ही फॉलो करके अपने पीसी के अंदर लगा लेना, बाकी लगाने के बाद बताना जरूर काम कर रहा है कि नहीं। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। बाय द वे आज की इस वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना और मैं मिलता हूं आपके साथ किसी एक लेटेस्ट पीसी कंपोनेंट्स अनबॉक्सिंग वाले वीडियो में बहुत ही जल्दी। आज के लिए सबका दिन शुभ रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।